पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कम्युनिटी बिजनेस की गुजरात की है, लेकिन 5 या 10 कंपनी मेरे को गिनाओ जो वर्ल्ड लेवल पे चल रही हो और गुजरात की हो, जो गुजरात से शुरू हुई हो और गुजरात में बड़ी हुई हो। क्योंकि माइंडसेट जो है ना हमारा आके उधर अटक जाता है कि 50-100 करोड़ की कंपनी हो गई, चलो अब एक काम करते हैं प्रॉपर्टी खरीदते हैं। यार हर 100 करोड़ की कंपनी चलाने वाले बंदे के पास फार्म हाउस तो होगा ही, यह सुनो किस लिए? तुम रहते तो हो नहीं फार्म हाउस में, साला तुमने सेखी बघारने के लिए फार्म हाउस रखा हुआ है, या तो वो होगा या तो तुम्हें गलत काम करने के लिए फार्म हाउस रखा हुआ है। जरूरत थी यार वही पैसा अगर तुम तुम्हारे धंधे में लगाओगे ना तो हो सकता है आपका वही पैसा आपको 10 गुना रिटर्न मिले। मैं आपको रिसेंटली मेरे एक क्लाइंट की बात कर रहा हूं, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया सेटअप चल रहा था, उनके गांव के अंदर प्रॉपर्टी बिकी 1 करोड़ में, गांव में एक प्रॉपर्टी बिकी 1 करोड़ में, ठीक है। अब उनके पापा ने पैसा दिया 1 करोड़, एक काम कर तू तेरे खुद की जगह ले ले अपना बिजनेस चलाने के लिए। भाई को किसी ने बहुत अच्छा आइडिया दिया, अरे यार वो फार्म हाउस का बहुत अच्छा कल्चर चल रहा है, एक एक नाइट का 10-10 हज़ार रुपये रेंट मिलता है, 15-15 हज़ार रुपये रेंट मिलता है। बोले अच्छा, बोले हाँ, तो 1 करोड़ उधर का और अपनी कंपनी में से 1 करोड़ निकाला, कौन सी मूडी कैपिटल 1 करोड़ है, 2 करोड़ निकाल के उस बंदे ने एक नया फार्म हाउस ले लिया। अब सवाल ये है 1 करोड़ निकाले लेकिन फार्म हाउस डेवलप करने के लिए 50 लाख और चाहिए, तुम्हारा जो गाँव से मिला था 1 करोड़ वो भी गया, बिजनेस में से निकाला 1 करोड़ वो भी गया, अब 50 लाख तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और दूसरी चीज़, अब धंधे में तुम्हारे कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, क्या करोगे? मेरे को बुला के बोले, बोले सर ऐसा ऐसा किया अभी क्या करें? मैं बोला आप क्या करोगे? अब पछताए का करे जब चिड़िया चुग गई। हम ये गलती करते बस। तो इसीलिए सक्सेस होने से पहले सेलिब्रेट मत करो, कामयाब बनने से पहले कामयाब बनने का नाटक मत करो, ये बहुत जरूरी है। पहली रिक्वायरमेंट आपके धंधे को दो। आपका धंधा एक बार आपने बढ़िया सा सेट कर दिया ना बॉस, उसके बाद आपका धंधा आपको जितना देगा ना आप मान भी नहीं सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते हो। वॉरेन बफे ने एक बहुत अच्छी बात कही, इस दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट बताया कौन सा है? वॉरेन बफे, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर, वो बोलते हैं इस दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आपका खुद का बिजनेस। इस दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है खुद का बिजनेस, एक एक पाई अपने धंधे में लगाओ। मार्केट से कमाता है ना? हाँ, अपना पैसा खुद के धंधे में लगाओ। अभी आप लोगों को आइडिया होगा, कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा, अरे इस कंपनी ने ये कंपनी को 5,000 करोड़ में खरीद लिया, 10,000 करोड़ में खरीद लिया, 50,000 करोड़ में खरीद लिया। अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले न्यूज चल रहा था, कोरस आईटी को टाटा ने खरीदा 54,000 करोड़ में, 54,000 करोड़ में कोरस आईटी को टाटा ने खरीदा। तो पैसा आया कहां से? वही पैसा है जो उनका प्रॉफिट हुआ था और कंपनी से बाहर नहीं गया था। आपको क्या लगता है टाटा के पास पैसा नहीं है कि टाटा पूरी की पूरी सोसाइटी खरीद ले? वो रेंट पर नहीं दे सकता है, हा? वो फार्म हाउस नहीं बना सकते? स्मार्ट बिजनेसमैन ये नहीं करते, जिनका विजन बड़ा होता है ना वो ये नहीं करते, अपना पूरा फोकस धंधे में, अपना पूरा पैसा धंधे में, और वही धंधा आपको इतना, हम जब पता है क्या होता है, आपका फार्म हाउस आ गया, आपकी गाड़ी आ गया, आपका बंगला बन गया, हम आपको बोलते हैं सर एक एचआर रखना है, कितने साल रहोगे? 15,000। ओहो सर 15,000 नहीं है, 15,000 नहीं है। आपके बिजनेस को एक कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट है, आपके बिजनेस को एक कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ताकि आपके बिजनेस को ग्रो करने में वो हेल्प कर सके, लेकिन उसकी फीस के लिए पैसे नहीं है। फार्म हाउस बन गया है, 4 मेरी प्रॉपर्टी, हम जब आपका एनालिसिस करते हैं ना तब पता चलता है 4 प्रॉपर्टी तो आपका रेंट पे चल रहा है, यहाँ से रेंट की इनकम आ रही है, कितना? 12,000, 15,000, 18,000, और लगाए कितना? 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। अरे भाई 2 करोड़ तुम बैंक में रख दो, उससे ज़्यादा तुम्हें ब्याज मिलेगा, पैसा तुम्हारा सेफ रहेगा। प्रॉपर्टी और लगाते हम कैसा है? प्रॉपर्टी नहीं, वैल्यू वध से भाई, प्रॉपर्टी लेने तुम्हें जसो क्या? प्रॉपर्टी लेने तमें जसो क्या साहब?
ये प्रॉपर्टी बनाने का होड़ मेरे को समझ में नहीं आया यार। एक बात समझो, सब लोग प्रॉपर्टी बना रहे, रेंट पर देंगे, साला रेंट पर रहेगा कौन बताओ मुझे? सब प्रॉपर्टी बना के रेंट पर देने लगे हैं तो रेंट पर रहेगा कौन? मैं आज जहां पे रहता हूं, मैं रेंट पर हूं, 17,000 रुपये मेरा रेंट है, ठीक है। मेरे को बहुत सारे लोग आए दिमाग दौड़ने के लिए, अरे यार तुम जितना रेंट दे रहे हो ना उतना तुम्हारा EMI तुम घर खुद का बना सकते हो। मैंने बोला ठीक है एक काम करो, 25 लाख रुपये डिपोजिट देना है, लाओ 25 लाख डिपोजिट लाओ मेरे को दो। बोले यार वो, मैं बोला फिर पैसा देना हो तो देना, ज्ञान मेरे पास में है, पैसा देना हो तो देना, ज्ञान मेरे पास में है, ज्ञान मत दो, मैं कुछ कर रहा हूं तो सोच समझ के कर। तो इसीलिए एक बिजनेसमैन को यह चीज समझना बहुत जरूरी है बस, कि अपने धंधे से पैसा मत निकालो। आप लोग सैलरी लेते हैं? आप सबकी सैलरी है ना, बस आप ट्राई करो कि एटलीस्ट कम से कम 2-3 साल डिसिप्लिन बनाए रखो, आप सैलरी लो और बाकी पूरा पैसा ना आपकी कंपनी में रखो, आपकी कंपनी को डेवलपमेंट के लिए यूज करो। आपकी कंपनी को सिस्टम की जरूरत है, टीम की जरूरत है, नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है, मार्केटिंग की जरूरत है। और एक बार आपका ये जब हो गया ना बॉस, आपका जो धंधा आपको ग्रोथ करके देगा ना, अनबिलीवेबल, आपको समझ ही नहीं आएगा साला पैसा आ कहां से रहा है, इतना ग्रोथ आएगा। बस थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन बना के रखना है, थोड़ा टाइम डिसिप्लिन और धंधे में फोकस कर दो। अपने को कोई, अपने पास रहने के लिए घर है ना, बस इनफ है, अपने को और प्रॉपर्टी नहीं बनानी है। अपने को धंधा ऐसा बनाना है ना कि साला मेरी कंपनी के अंदर, हमने हमारा विजन शेयर किया था पहले दिन, हम 50,000 लोगों की टीम बनाने वाले हैं, 50,000 लोगों की टीम बनाने वाले बॉस। और हम चाहते हैं कि 50,000 लोग ना हमारे वहां पर काम करके अपना करियर बनाए, अपना घर चलाए। आपका विजन ऐसा बनाओ कि मेरे वहां पर ऐसे 500 लोगों की टीम होगी कि जो मेरी कंपनी से काम करके अपना घर चलाएंगे, अपना फैमिली जिलाएंगे। आपका ये विजन होना चाहिए। तो जब आपके पास विजन स्ट्रांग होगा ना, तब सिस्टम बनेगा। जरूरी तो सबको है कि सिस्टम, लेकिन अगर आपका विजन नहीं है ना तो आप सिस्टम नहीं बनाओगे, फिर आप ट्रायल मोड पे ही हो। तो सबसे पहला आप, आज ये दूसरा दिन का सेशन कंप्लीट हो रहा है ना, आप सबसे पहला काम जो जाके करना ना, पहले बैठो और विजन बनाओ कि 5 साल के बाद मुझे मेरी कंपनी को यहां लेकर जाना है, 10 साल के बाद मुझे इतनी बड़ी कंपनी बनानी है। और वो विजन अगर बन गया ना और आपने लगा दिया ना, तो मैं आपको 100% बोलता हूं बॉस, आप वो बना लोगे।